शिक्षक अभ्यर्थी हैं। सब भारी से भारी संख्या में महिला पुरुष सब गर्दनीबाग पहुंचिए और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सभा होने जा रही है, जहां हम अपनी बातों को मीडिया के सामने, सरकार के सामने रखेंगे कि हमें बिना विलंब किए हुए नियुक्ति पत्र और थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराकर इस बहाली को संपन्न किया जाए और अपनी मांगों को एक शांतिपूर्ण सभा के माध्यम से हम रखेंगे, जिसमें किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई हो हंगामा नहीं होगा और जितने भी जिला से जितने भी अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे, इस बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक गार्जियन के तहत वहां बैठना है, ये नहीं कि मेरा गार्जियन कुछ कह रहा है और हम वहां कुछ करने जा रहे हैं, जी नहीं। जिसके मन में ऐसी बातें हैं उसे मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, आप ना जाए और वहाँ जाए तो आपको एक लिमिट में रहना है। ये आपको माइंड सेट यहाँ से करके चलना होगा, क्योंकि अब आपका चयन हो चुका है, कहीं ना कहीं आप शिक्षक आधे बन चुके हैं या फिर पूरे बन चुके हैं, क्योंकि आपका नाम बिहार सरकार के लिस्ट में जा चुका है। तो ये आपके भविष्य के लिए ये बुरा हो सकता है कि आपको अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका भावी भविष्य खराब हो, तो इस बातों का पूरा ध्यान रखना है। वहाँ एक मौन धारण रखा गया है जिसके तहत आपका मीडिया कवरेज होगा, जहाँ अपनी बातों को कहने का जो दो वर्ड कहा जाएगा कि हाँ, आपको जिससे पूछा जाएगा, जिससे बोला जाएगा, बस उतना ही वहाँ काम होगा। और इस 5 सितंबर के होने वाले कार्यक्रम का हो ना हो हमारे बहाली पर 100% दबाव बनेगा और सरकार मजबूर हो जाएगी इस बहाली को आगे बढ़ाने के लिए। और हो सकता है सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में हो, चाहे तो वो 2 साल भी बिठा दे और चाहे तो 2 महीने में आपको विद्यालय आवंटित करा दे। तो सबसे पहले कहा गया है, जब डूबता हुआ आदमी ये सोच ले कि हम तो डूब के मर ही रहे हैं तो वो हाथ नहीं चलाएगा, तो हम लोग ऐसे ही अभी पानी में हैं, तो सीधे सीधे मरना है या थोड़ा हाथ पर चलाना है, तो हाथ पर चला के देख लेते हैं, शायद हमें तैरना आ जाए और हमारा जीवन बच जाए। तो 5 सितंबर को आप यही समझ लीजिए कि हम तो ऐसे भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन हाथ पर चला के मरना है, सीधे सीधे नहीं मरना है, हाथ पर चलाएंगे और अगर मीडिया का दबाव बना तो 2 महीने में आप विद्यालय में होंगे, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। और आपको सीधे सीधे मरना है तो 5 साल तक भी आप यही टिके रहिएगा, फिर तो मरना तो है ही, आप नहीं मरेगा। चलिए ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों का मेरे लिए विशेष आग्रह है, आप भी चले और आपके संपर्क में जितने अभ्यर्थी हैं उनसे भी प्लीज निवेदन करें, आग्रह करें, जैसे भी हो सके भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग सबको ले चलिए, अपने आस पड़ोसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आज यहाँ नहीं उपस्थित हुए उन्हें भी, क्योंकि अब हमारे पास